नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव को लेकर चुटकी लेते हुए खूब तंज कसे। विकास कार्यों पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, जो बीजेपी ने दिया क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई थी। नियुक्ति आई नहीं कि पूरा परिवार वसूली में व्यस्त हो जाता था। को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां शिवपाल यादव बदायूं से टिकट मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की उन्होंने, जहां भतीजे की टिकट काटने के सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी का आदेश मिला है और आज मैं बदायूं जा रहा हूं और बदायूं की सीट को जीत कर आऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी 80 की 80 सीटों पर जीतेंगे और बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराएंगे। तो वहीं सरकार द्वारा सीए लागू कराने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सत्ता में है, अभी घमंड में है, कुछ भी कर सकती है। हालांकि अपर्ण यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कुछ भी नहीं बोले शिवपाल यादव और बदायूं के लिए अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए और बदायूं की सीट को जीत गया। मैं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जीतेंगे सब। इन्हें तो देखो अभी तक तो कई ऐसी सीटें हैं, 85 नहीं जुड़े मिल रहे, हम सभी सीटों पर जीतेंगे। 80 भी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। घोसी लोकसभा में सुबह सपा के टिकट पर अरविंद राजभर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में सपा किस चेहरे पर दाव लगाएगी, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सपा के सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान का दावा है कि घोसी से वो सपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को पटखनी देंगे। इसी को लेकर इंडिया वॉइस ने संजय चौहान से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। 24 लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। एनडीए और इंडिया अपने प्रत्याशियों की लगातार सूची जारी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद संजय चौहान जी हैं। संजय जी, घोसी में राजभर के कैंडिडेट की तो घोषणा हो गई, आप के पार्टी की तरफ से या फिर आपके जो खेमा है, आप कह रहे हैं आप सपा के गठबंधन में हैं, आपकी तरफ से घोषणा कब होगी, आपके नाम की घोषणा कब होगी? देखिए, बहुत ही जल्द माननीय अखिलेश यादव जी शेष बची हुई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। उसी क्रम में घोसी लोकसभा सीट पर भी, क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी का सबसे पुराना एलआई हूँ। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी चंदौली से लोकसभा लड़ा था और उसके बाद हमने तय किया था कि घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने इस बात का जानकारी, इस बात को लेकर के हमने उन्हें कह भी दिया है कि मैं घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। और हमारे पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं का भी यह सोच है कि जनवादी पार्टी की शुरुआत और लंबे दौर तक मऊ जनपद में एक मजबूत संगठन है और वो घोसी लोकसभा के आसपास के जिलों में भी हमारी कम्युनिटी का एक मजबूत स्ट्रेंथ है। तो ऐसे में जनवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ें और हमने भी तय किया है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा आशा और भरोसा है कि अखिलेश यादव जी पिछले दिनों में भी मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाए थे, जब सपा बसपा गठबंधन था तो उनके पास मात्र 36 सीटें थी, तो उसमें से भी एक सीट जनवादी पार्टी को उन्होंने दिया था। तो
तो इस बार भी घोसी लोकसभा सीट पर मुझे कोई शंका संशय नहीं है कि वो मुझे नहीं देंगे और बहुत जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा। आपने बताया कि आप पुराने सबसे पुराने साथी रहे हैं और पिछली बार आप कैंडिडेट भी थे चंदौली से, ऐसे में और आपने पहले से उन्हें क्लियर कर दिया कि मैं इस बार घोसी से लड़ूंगा और उन्होंने लगभग तो तमाम प्रत्याशी अपने घोषित भी कर दिए, तो आखिर घोसी में क्या मामला फंसा हुआ है, उन्हें आपका नाम ही घोषित कर देना चाहिए, कहीं तो पेश है कुछ ना कुछ। नहीं देखिए, घोसी और उस क्षेत्र का लास्ट चरण में चुनाव होता है, लास्ट फेज की वो सीटें हैं, इसलिए मुझे भी इतनी बहुत जल्दबाजी नहीं है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान, इनका साफ कहना है कि उनकी अखिलेश यादव से बात हो गई है और वो क्लियर अस्वस्थ हैं कि उन्हें घोसी से ही टिकट मिलेगा सपा से और वो अखिलेश के भरोसे को जीतते हुए लोकसभा घोसी लोकसभा सीट जीत कर लाके सपा की झोली में डाल देंगे। और अगर उनका ये भी कहना, अगर उन्हें टिकट सपा नहीं देती है, घोसी सीट से नहीं देती है, तो वो अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, कुल मिलाकर वह घोसी लोकसभा सीट पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। क्या लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले पार्टियों ने अपनी चुनावी कसरत शुरू कर दी है। पार्टियों की तरफ से जीत के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, कई दाव चले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा दाव चला है। दरअसल बीजेपी छोड़ने वाले सचिनानंद पांडे उर्फ सचिन को बीएसपी अयोध्या से प्रत्याशी बना सकती है। सचिनानंद पांडे के जरिए बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है। बता दें कि अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को टिकट दिए जाने के बाद से सचिनानंद पांडे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा रहा, जहां डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि दोनों के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, आगे की रणनीति के लिए मंथन किया गया। वहीं सीए पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू को लेकर यूपी के मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। राजभर ने कहा कि विपक्ष को पहले सीएए का अध्ययन करना चाहिए, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं और यहां रहकर लंबे समय से भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं, ये कानून उन लोगों के लिए पारित किया गया है, विपक्ष केवल वोट पाने के लिए राजनीति कर रहा है। विपक्ष के माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रेस वार्ता करके बताई है वो 100% सही बात बताई है। जो विपक्ष के लोग बिना वजह इसको हवा दे रहे हैं, पहले उनको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए लंबे समय से लोग भारत में नागरिकता की डिमांड कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता मिले, तो वही उन लोगों के लिए ये कानून पास हुआ है। 6 जातियां हैं उसमें जो गैर मुस्लिम हैं, तो उन्हीं लोगों को देने की बात है। विपक्ष जो जिस तरह की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जारी धन शोधन जांच के तहत ईडी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और अमेठी, महाराष्ट्र में मुंबई और दिल्ली में कुल 14 परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। लखनऊ में प्रजापति के घर पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग की प्राथमिकी के आधार पर 2021 में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। इन प्राथमिकी के में प्रजापति और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ अवैध रेत खनन और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए थे। वहीं खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में जीएसटी टीम ने बड़ी छापेमारी की है, जहां राठ थाना क्षेत्र के एक गुटखा माफिया की अंजलि ट्रेडिंग कंपनी में बीते 4 घंटे से लगातार
एक दर्जन से ज्यादा जीएसटी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी इसी गुटखा माफिया की बिल्डिंग में करोड़ों का गुटखा पकड़ा जा चुका है, तो वहीं पप्पू झिन्ना पहले भी अवैध गुटखा समेत तमाम अवैध कामों में जेल जा चुका है। वहीं रायबरेली में दबंगों ने धारदार हथियार से एक सरकारी शिक्षक पर जानलेवा हमला किया। बता दें कि विद्यालय निर्माण के विरोध के चलते शिक्षक पर जानलेवा हमला किया गया, तो वहीं शिक्षक ने स्थानीय लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही तीन महिलाओं समेत चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, तो वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक चैन लुटेरे बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश को रोका था, लेकिन बदमाश नहीं रुका और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बदमाश के पास से एक तमंचा, लूटी हुई चैन बरामद कर ली। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 13 मार्च को बिसरक थाना पुलिस टीम के द्वारा ए सिटी चौराहे के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध बदमाश मोटरसाइकिल से गुजर रहा है। पुलिस टीम के द्वारा उक्त संदिग्ध बदमाश को रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका और मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश के पैर। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने मजदूरों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें चार मजदूर घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं मजदूरों ने दबंगों पर चोरी का भी आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो जौनपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दबंगों ने कुछ मजदूरों को घायल कर दिया। घटना में चार मजदूर घायल हुए हैं। दबंगों और मजदूरों के बीच झड़प देखने को मिली। खबर बलिया से, जहां बलिया में लापता दो किन्नरों के बाल काटने और चप्पल पर थूक कर चटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं लापता किन्नरों की तलाश जारी है। सूचना दी गई, वो एक पक्ष के द्वारा दी गई है, जिसमें रूपा है बीबी नगर की, बेलथरा रोड की। उसने अपने दो साथियों के गायब होने की सूचना दी थी, उसके साथ कुछ वीडियो वायरल हुए थे, उसके क्रम में तो मुकदमा लिखा गया है, पूछताछ जारी है। 5 लोगों को उन्होंने नामित किया है और बाकी जैसे आगे की सूचनाएँ मिलती हैं, जांच में जो तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करा दी। तो बलिया से खबर बता रहे हैं, जहां चप्पल पर थूक कर चटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और इसके बाद इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बलिया से पूरी खबर है, कई आरोपी इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। किन्नरों से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें किन्नरों को तालिबानी सजा दी गई है और उसका वीडियो भी फिर सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो किन्नरों को तालिबानी सजा दी गई। इस वीडियो में एक किन्नर को
तालिबानी सजा दी गई है, जिसमें पहले चप्पल में थूक चटवाई गई है एक किन्नर को और चप्पल पर थूक कर चटवाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और कई लोगों को हिरासत में लिया है। तो 5 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, कई आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। बलिया से ये पूरा मामला है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो किन्नरों को तालिबानी सजा दी गई है, चप्पल पर थूक कर चटवाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और मामले में कार्रवाई शुरू की। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं इस मामले से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो बलिया से यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां किन्नरों को तालिबानी सजा दी गई है। अबे बेतरा में कभी ना मिल भी थूक के चल ट्रक बहुत दूर वाला कभी दिखाई दे दे भी तब फिर सोच ली कभी बेतरा में के कभी बेतरा थूक के चल अबे बेतरा में कभी ना मिल भी थूक के चल ट्रक बहुत दूर वाला कभी दिखाई दे दे भी तब फिर सोच ली कभी बेतरा में के कभी बेतरा थूक के चल अबे बेतरा में कभी ना मिल भी थूक के चल। करुणेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता करुणेश पांडे जुड़ गए हैं। करुणेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है बलिया से, क्योंकि इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है, जिसमें किन्नरों को तालिबानी सजा दी जा रही है। एक बार पूरा मामला समझाइए। जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो भाव थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर की 2 किन्नरों को जो है तालिबानी सजा दी गई है और जहां तक जानकारी मिल रही है कि वहां पे जो क्षेत्र का जो बंटवारा होता है किन्नरों में, वो उसको लेकर के विवाद था। दूसरे गुट के जो किन्नर थे उनसे उन लोगों को विवाद था, जिसको लेकर के इस तरह की जो है वो तालिबानी सजा दिए सब 2 किन्नरों को पकड़ करके और उनका जो है बाल मुड़वाते हुए और चप्पल पे थूक करके चटवाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। और जहां तक इसका पुलिस ने संज्ञान लिया है और पुलिस ने 5 लोगों के ऊपर तहरीर मिली है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके और इस मामले में काफी लोगों की धरपकड़ हुई है और पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और अभी तक, लेकिन इसमें जो मुख्य जो इसमें जो इस तालिबानी सजा वाले जो है जो मुख्य जो आरोपी है अभी तक वो भी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इसको लेकर के पुलिस अभी काफी छानबीन कर रही है और उसके लिए जो भी आरोपी है उनको पकड़ने के लिए दबिश भी दे रही है। जी करुणेश, अगर बात की जाए जो मुख्य आरोपी है, क्या उनकी पहचान हो पाई है, उनकी पहचान के लिए पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है? अब उसमें जो मुख्य आरोपी है उनकी उनका पता तो चल गया है, लेकिन अभी वो लोग जो फरार हैं, कहने का मतलब है कि पुलिस अभी जो पता चला है पुलिस को कि उसमें कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटना का अंजाम भी दिया है, जो कि ये लोग गाड़ी में जबरदस्ती जो है उन किन्नरों को बैठा करके वहां से जबरदस्ती गायब भी कर दिए हैं। अभी वो 2 किन्नरों का पता भी नहीं चल पा रहा है कि वो 2 किन्नर गए कहाँ है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अभी हर जगह दबिश दे रही है और उसके लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए अलग अलग से टीम भी बनाई गई है और उसके लिए जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है करुणेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां रिक्शा चालक को दबंगों ने जमकर पीटा। तो हमीरपुर से खबर, जहां रिक्शा चालक को दबंगों ने जमकर पीटा है, किराए का पैसा मांगने पर रिक्शा चालक पर हमला किया गया। गंभीर रूप से रिक्शा चालक इस हमले के बाद घायल हो गया। रिक्शा चालक की हालत गंभीर बनी हुई है, डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया है अब रिक्शा चालक को। साथ ही पीड़ित की बहन से एसपी से शिकायत की गई, मामले में कई कार्रवाई जो है मांग की गई है। तो आपको एक खबर बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है जहां रिक्शा चालक पर कुछ दबंगों ने हमला किया है, मामला बताइए। जी मैं मामला आपको बता दूं, ये सदर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा का डेरा का मामला है, जहां पर एक रिक्शा चालक से जब पैसे की बात आती है तो उसी को लेकर उसके साथ बैठा हुआ है मारपीट करता और इसके बाद उसको गंभीर चोटें आ जाती है। जब उसको न्याय नहीं मिलता तो वो उसकी बहन और उसके माता जी पुलिस अधीक्षक कृष्ण शर्मा जी के पास जाते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं। जी, जिस तरह से पीड़ित की बहन एसपी के पास गई, शिकायत की और अब न्याय की गुहार लगाई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट दर्ज की गई है? जी मैं आपको बता दूं, जब वो पुलिस के पास शिकायत करने जाती है तो उसके बाद उसको आश्वासन दिया जाता है और इसके बाद वो सदर कोतवाली जाती है, सुनवाई तो अब हो चुकी है। जी रुपेश, साथ ही अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं, तो गंभीर चोटें हैं कि उसको कान को रिफर कर दिया गया था और काफी गंभीर चोट है, तो उसके सर पर काफी चोटें हैं और इसके बाद जब उसकी बहन शिकायत करने जाती है तो एक बार दीक्षा शर्मा जी जो नेतृत्व थी वो मामला संज्ञान में लेती है और इसके बाद उस मामला दर्ज किया जाता है। ठीक है रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।